देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत राकेश टिकैत से। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है इस पर बड़ा बयान देकर मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है और जो बच्चे भारत आने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ बॉर्डर पर भारत के जो अधिकारी हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं वो फोटो खिंचवाकर मोदी का नाम जो है वो ब्रांड के तौर पर बता रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें बहुत सारा जो नुकसान है वो भारत को भी हो रहा है, क्योंकि भारतीय बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं और रूस लगातार यूक्रेन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ऐसे में भारतीय बच्चे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए, हमारी मदद कीजिए। और हम देख रहे हैं कि काशी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में किस तरह से बड़ी मेगा रैली करते नजर आ रहे हैं, यानी कि सरकार का ध्यान यूक्रेन में फंसे बच्चों पर नहीं है बल्कि चुनाव पर है, यानी कि चुनाव आज बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, मोदी सरकार के लिए चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन बच्चे मायने नहीं रखते, छात्र मायने नहीं रखते, बेरोजगारी मायने नहीं रखती है। यही वजह है कि सरकार की इस हालत को देखकर आज जनता खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है और राकेश टिकैत ने भी खुलकर बयान दिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए नमस्कार।